यहाँ पर राजकुमार ऋतुध्वज रहे। जब जाने की बात करने लगे तो कुंडला ने बड़ी सुंदर बात कही। कुंडला ने कहा कहे देव पुरुष, तुम जा रहे हो, तुम्हारी भावरे इस देवी के साथ पड़ी है, क्या तुम्हें धर्म के पन्ने याद हों? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी अच्छी बात है। धर्म के पन्ने तुम्हें यदि याद हों, तुमने ऋषि और ब्राह्मणों का संग किया है, तो इस बात का तुम्हें जरूर पता होगा कि भर्ता किसे कहते हैं। अब तुम भर्ता बन गए हो, अब तुम पति बन गए हो। पति की परिभाषा क्या है, भर्ता की परिभाषा क्या है, ये कुंडला नाम की स्त्री राजकुमार ऋतुध्वज को बता रही है। कहीं इस प्रसंग को थोड़ा ठिकाने से लगा दें। हाँ, तो क्या बोली है ये सुनिए। ये कहने लगी कि त्वया विश्रम्भिता चास्मी स्मारयाम्या अरिसूदन भर्तव्या रक्षितव्या च भार्यायी पतिना सदा। वो भर्ता की परिभाषा इसने बताई। कुंडला कहती है कि हे अरिसूदन, दुश्मनों को जीतने वाले हे महापुरुष, आपको किंचन मात्र में तो सिर्फ स्मरण करा रही हूँ। आपने ऋषियों की टोली के बीच में बैठकर ये सब सुन रखा होगा कि पति को भार्या की सदा रक्षा और उसका पालन करना चाहिए। उसको पति कहते हैं क्योंकि वो पत्नी को पतित होने से बचाता है। उसको भर्ता कहते हैं क्योंकि वो कमा करके लाता है और पत्नी का भरण करता है, इसलिए उसका नाम भर्ता है। पति के सामने पत्नी को कभी कमाना नहीं पड़ता, नहीं तो फिर वो धर्महर्ता हो जाएगा, वो भर्ता नहीं होगा, वो धर्महर्ता हो जाएगा। पति के होते हुए और पत्नी कष्ट भोगे तो पति शब्द के ऊपर एक बहुत बड़ा लाक्षण लग जाता है। ये कुंडला कहती है, मैं तो अभागिनी हूँ, मेरे पति मुझे छोड़ करके दुनिया छोड़ के चली गए हैं और मैं कितनी परेशान हूँ ये मैं जानती हूँ। किसी भी स्त्री के पास चाहे जितने राजमहल हों, हे राजकुमार, उसके पास जीने की कितनी भी सुविधा हो, लेकिन जब नारी के पास उसका अपना पति नहीं है तो हर प्रकार से वह अपने आप में असमर्थ है। ये कुंडला कहती है, एक नारी को खड़े होने के लिए उसको पुरुष के रूप में एक पति की उसको आवश्यकता होती है। अविवाहित जीवन में उसको पिता और भाई की जरूरत होती है, विवाह के तत्पश्चात उसको पति और पुत्र की आवश्यकता होती है। ये नारी के लिए स्तंभ है, ये नारी के सहारे हैं। ये कुंडला कहने लगी, अब आप पति बन गए हैं, पति वही है जो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, उसका पालन करे और उसकी रक्षा करे। भार्या भर्ता की सहायिनी होती है, पत्नी भी सहयोगी होती है पति की, उसको धर्म कर्म कार्यों में जोड़ने का काम करती है। सम्यक प्रकार से पत्नी से तीन चीजें मिलती हैं, पत्नी से धर्म मिलता है, पत्नी से अर्थ मिलता है और पत्नी से काम की सिद्धि होती है, ऐसा ये कुंडला कहने लगी। तब उस ऋतुध्वज ने कहा, देवी ये तीनों चीजें पत्नी से कैसे मिलती हैं?